नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दतिया से, जहां दतिया विधायक को मध्य प्रदेश कैबिनेट की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए तमाम श्रमिकों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज के कठिन समय श्रमिक जिस धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं वे सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश के श्रमिकों ने श्रम के बाद संयम की नई परिभाषा गढ़ी है। अन्य प्रदेशों से आ चुके और मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में 30,000 श्रमिक जा चुके हैं। मनरेगा के तहत 8,00,000 श्रमिकों को काम दे दिया गया है और 1,000 सबके खाते में डल चुके हैं। वही किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र हैं और वो हमेशा किसानों के हित के लिए कार्य करते हैं। दतिया से सत्येंद्र रावत की रिपोर्ट। ये श्रम के बाद संयम की उन्होंने एक नई परिभाषा हमारे देश के श्रमिकों ने गढ़ी है। हमारे प्रदेश में लगातार बाहर जो श्रमिक हैं उनको लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक 35,000 के लगभग प्रवासी श्रमिक हम जिले में ला चुके हैं और जिले दूसरे जिलों में भी 30,000 के लगभग अलग अलग भेज चुके हैं। मजदूरों को 8,71,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत मध्य प्रदेश में काम यहां पर दे दिया है। छोटे छोटे उद्योग और काम धंधे भी शुरू हो गए हैं और जो मंडी के अंदर भी जो हमारी ऐतिहासिक खरीद है 28,00,000 मैट्रिक घंटे की ज्यादा खरीदी मध्य प्रदेश में करके वहां पे भी मजदूरों को दिया है और उन्होंने संयम और मेहनत से जो काम किया। देखिए, किसान का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है और ये अभिनव प्रयोग और ये सारी चीजें शिवराज सिंह जी के उपज है। जो नए आइडिया आते हैं ये उनके अंदर आते थे, चाहे वो गेहूं के शुरुआत बोनस की हुई हो, धान के बोनस की हुई हो, ये खेत खरीदी केंद्र चालू करने की हुई हो। लोग बहुत उम्मीदें करते थे कि बहुत भगदड़ मच जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, मंडी में सोसाइटी में अनियमितताएं होंगी, लेकिन छोटे किसानों से शुरुआत करके आज 28,00,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीद के सबसे बड़ी खरीदी कर दी हमने और सब शांतिपूर्वक चल रही है। किसान हैरान ना हो, किसान परेशान ना हो, इसके लिए आज 2900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी दोपहर में 3:30 बजे किसानों के खाते में एक क्लिक के द्वारा डालेंगे। ये बीमे का पैसा वही पैसा है जो कांग्रेस ने पैसा जमा करने से किसान का कैसा रुक गया था। सोचना चाहिए कांग्रेस को कि उनके समय में किसान हैरान हुआ, ठगा गया, 2,01,000 का भी माफ नहीं हुआ। आज तक अगर हुआ हो तो वो सूची जरूर जारी करें। हम उनका भी श्रमिक दिवस पर अभिनंदन।